लेट नाइट स्टडी करते हैं 2 से 3 बजे तक, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। हमारे टीचर्स ने सलाह दी थी कि मेडिटेशन करके सोना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा हम सभी जानते हैं, कोटा में हर साल लाखों स्टूडेंट अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही कोटा में स्टूडेंट्स का क्या शेड्यूल रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं। तो चलिए आज हम कोटा में स्टूडेंट से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे दिन उनका क्या शेड्यूल रहता है। आपका डेली रूटीन क्या रहता है? मेरा सबसे पहला रूटीन ये होता है कि मॉर्निंग में उठना, फिर डेली जो मॉर्निंग रूटीन्स होती है वो वगैरह करना, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। फिर उसके बाद जैसे पापा फिर छोड़ना आते हैं मेरे को एलन, फिर 6 आवर्स की लेक्चर्स होते हैं, जिसमें बीच बीच में जो भी ब्रेक्स वगैरह होता है उसमें थोड़े बहुत फ्रेंड्स के साथ थोड़ा गपशप कर लेते हैं या फिर कोई भी डिस्कशन वगैरह हो, फिर सर से डाउट वगैरह, फिर उसके बाद एलन जब ओवर हो जाता है उसके बाद घर जाना होता है, फिर उसके बाद पेरेंट्स के साथ जो भी हुआ आज सुबह पढ़ा उसके बारे में डिस्कशन होता है, फिर थोड़ा लंच या फिर टीवी वगैरह देखना होता है, फिर उसके बाद 1 आवर या फिर 40 मिनट्स का एक पावर नैप लेती हूँ, फिर उसके बाद जो भी आज करवाया सुबह का वो सब एक बार रिवीजन देती हूँ, फिर उसके बाद 1 आवर के लिए वॉकिंग करने के लिए जाती हूँ ताकि फिजिकल मेंटली स्टेबल रहूँ दोनों तरफ से, फिर उसके बाद घर आके डाइटिंग के थोड़े बहुत खा लेती हूँ, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, फिर उसके बाद वापस डिनर करते टाइम थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, फिर एक बार रिवीजन देती हूँ, फिर जैसे एनसीईआरटी पूरा कवर अप कर लिया, फिर उसके बाद 11:30 तक सो जाती हूँ। सुबह उठ के फ्रेश हो के रेडी वगैरह होके एलन आ जाते हैं, यहाँ पे 6 टू 7 आवर्स की क्लासेस होती हैं। उसके बाद घर जाके 3 o'clock तक सारा लंच वगैरह फ्रेशन अप सब हो जाते हैं। 3 से 5:30 तक मेरा फर्स्ट सेशन होता है स्टडी का, उसके बाद 5:30 से 1/2 hour का मैं ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद सेकेंड सेशन होता है 7 o'clock तक। 7 o'clock फिर मैं मम्मी के साथ बाहर जाती हूँ, थोड़ा सा वॉक करना वो भी ज़रूरी है। उसके बाद बाहर से आने के बाद 8 o'clock मैं आ जाती हूँ, उसके बाद फिर से मेरा थर्ड सेशन होता है, फिर जब तक ज़रूरत होती है रिक्वायर्ड मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद डिनर एंड देन आई स्लीप। एंड डेली रूटीन में नॉर्मली मेरा सुबह नॉर्मली 5:30 बजे उठना एंड फिर रेडी होके कोचिंग आना एंड दोपहर में जाने के बाद मेस में जाके खाना खा के फिर रूम में मम्मी से बात करके एंड घर में अगर किसी से बात करनी है तो ओके, वरना फिर थोड़ी देर रेस्ट लेके नॉर्मल डे फिर पढ़ाई करना, लाइक 5:30 अराउंड तक पढ़ाई करना, देन स्नैक्स करके फिर थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करते हैं या फिर हम लोग बालकनी में अपने बैठते हैं एंड देन हम लोग थोड़ा सा टाइम मतलब स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फिर खाना खा के हम लोग पढ़ते हैं, लाइक अराउंड 9 o'clock तक हम लोग पढ़ने बैठते हैं एंड वो जितना भी स्ट्रेच हो जाए लाइक 11 o'clock तक मैक्सिमम हो जाता है। सुबह 5 बजे उठता हूँ और उसके बाद पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद फिर 2 बजे कोचिंग आता हूँ, कोचिंग के बाद शाम को 8 बजे के बाद फिर खाना आना खाता हूँ, उसके बाद 11 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद सोता हूँ फिर सुबह 5 बजे। मैम जैसे मैं लेट नाइट स्टडी करता हूँ, सुबह तो मैं 7-8 बजे उठ जाता हूँ लेकिन रात को 2-3 बजे तक पढ़ लेता हूँ मैं, और जैसे सुबह 7-8 बजे उठा तो फिर थोड़ी देर पढ़ लिया, जैसे 11-12 बजे तक पढ़ लिया, फिर मैथ्स में चले गए, फिर 2 बजे तक का क्लास होता है तो 1:30 से लाइन लग जाती है तो उसके अराउंड में यहाँ आ जाता हूँ 1:30 के अराउंड, फिर 8 बजे छुट्टी होती है हमारी यहाँ से, फिर लगभग सही 1 घंटा मैथ्स में चला जाता है, फिर उसके बाद लेट नाइट स्टडी करते हैं 2 से 3 बजे तक, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। मेरा नाम सिमरन है एंड हम स्टार्ट तो डे 5 o'clock से ही करते हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस 6:45 से स्टार्ट होती है तो हमें 6 o'clock तक पहुँचना होता है, तो 5 o'clock पे मैं उठती हूँ। नॉर्मली 6 आवर्स की कोचिंग होती है, कोचिंग के बाद मैं घर जाती हूँ, खाना खाती हूँ एंड आई स्लीप फॉर 2 आवर्स, क्योंकि रात में आई स्टडी तो एटलीस्ट 4 बजे तक आई स्लीप, देन व्हेन आई वेक अप उसके बाद जैसे 4 पीरियड्स होते हैं तो हमें हर एक पीरियड को एटलीस्ट 2 घंटा तो देना ही पड़ता है, क्योंकि ताकि कवर हो जाए, 1 घंटे की क्लास के लिए 2 घंटा इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो वही हर पीरियड को 2-2 घंटा दे के आई कम्प्लीट लाइक माई स्टडिंग। आई टेक गैप्स, अ लॉट ऑफ गैप्स, एवरी 1 आवर आई टेक लाइक 20 मिनट गैप्स एंड उसमें आई लव योगा, तो मतलब थोड़ा बहुत एलन में भी योगा सेशंस होते हैं तो आई डू अटेंड जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो थोड़ा बहुत आई डू एंड स्ट्रेचिंग वगैरह आई डू, पानी वगैरह आई फिल अप एंड देन वापस बैठती हूँ, ये सेशंस हो जाते हैं तो एटलीस्ट 11 o'clock तक आई रैप अप एंड डिनर तो मैं थोड़ा लेट करती हूँ, मतलब 9:30-10 तक
आई हैव माई डिनर और उसके बाद 11 o'clock तक आई रैप अप एंड देन आई स्लीप नॉर्मली मेडिटेशन करके. हमारे टीचर्स ने एक्चुअली ये सलाह दी थी कि मेडिटेशन करके सोना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. तो 10 minutes आई मेडिटेट डेली. 5 o'clock उठती हूँ और उठ के रेडी होके लाइक मैं 6 o'clock तक यहाँ पहुँचना होता है लाइक नहीं तो फर्स्ट सीट नहीं मिलती. तो फिर यहाँ पे क्लासेस होती हैं उसके बाद मैं घर जाती हूँ खाना खा के मैं इधर ही आ जाती हूँ. नहीं तो मैं घर जाऊँगी तो मैं सो जाऊँगी और लाइक मैं नॉर्मल सोती हूँ. मैं 2-3 घंटे बाद मैं उठती नहीं हूँ फिर. तो फिर मैं यहाँ आके पढ़ती हूँ फिर यहाँ पे 7 o'clock तक जब तक होता है जब तक यहाँ बैठने देते मैं तब तक पढ़ती हूँ. उसके बाद जाके खाना खाती हूँ और जल्दी सो जाती हूँ जिससे जल्दी उठ पाऊँ. कोटा की कोई एक बात जो आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है? सबसे पहले यहाँ का एनवायरनमेंट बिकॉज कोटा बच्चे आते ही इसलिए क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इज़ ऑल अबाउट योर करियर. एवरी चाइल्ड जिस बच्चे से मिलोगे वो करियर ओरिएंटेड होता है. एंड ऊपर से कोटा में वन थिंग आई लाइक द मोस्ट वाज टीचर्स. ऐसे टीचर्स यहाँ पे टीचर्स आर जेम्स. दे गाइड यू ऐसे पर्सनली. हमारी क्लास वही 200 बच्चे की होती है बट स्टिल दे वॉन्ट कि एक एक बच्चे को दे नो एंड इंटरेक्ट करें. तो वही इन्वायरमेंट इज़ दी बेस्ट कोटा में. तो पढ़ाई के अलावा अगर बात करें तो कोटा की क्या बात अच्छी लगती है? अभी तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है बट कोटा में वैसे गर्मी तो बहुत है तो वो थोड़ा चेंज हुआ. बाकी अच्छी बात तो सभी है. कॉम्पिटिशन यहाँ पे हमें वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हम फ्यूचर में और अच्छे से अपने आप को मतलब अपनी सक्सेसिव लाइफ जी सकें. पढ़ाई से अलग अगर बात करूँ तो क्या बात? हम इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं क्योंकि हम पहली बात अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं. लाइक मैं अपनी मम्मी से कभी दूर नहीं रही नॉट इवन फॉर अ डे. एंड लाइक तो फिर रहना सीख जाते हैं. आगे शुरू शुरू में तो दिक्कत थी मैं तो रो भी देती थी. फिर मैं फ़ोन कर देती थी जब भी मुझे रोना आता था कि ऐसे ऐसे. फिर वो मेरे को बोलते थे नहीं रोना नहीं है हम क्योंकि हम आए क्यों अपना करियर बनाने. उन्होंने बोला बस 2 साल पढ़ लो उसके बाद तो घर में ही रहना है ऐसे. तो इंडिपेंडेंट रहना सीख जाते हैं. यहाँ की बात ये है कि मतलब जब फर्स्ट टाइम आए थे तब तो पता नहीं था इतना इस एरिया के बारे में. तो जिन जिन लोगों से बात करी उनका इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था फ्रैंक था. मतलब अगर उनसे कुछ भी पूछो तो वो अच्छे से जवाब देते थे. मतलब कोई एरोगेंसी ऐसा कुछ नहीं था. और यहाँ तो एजुकेशनल का एटमॉस्फेयर है ही तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी लग रही है. मतलब यहाँ अपना जैसा ही लग रहा है. एलन की फैकल्टी वगैरह टीचर सब अच्छे हैं और फ्रेंडली माहौल है और ये क्लाइमेट वगैरह भी सब सूट कर रहा है अच्छे से. अभी तक तो इतना एक्सप्लोर नहीं किया बट जितना लगा है उतना ये है कि यहाँ पे बच्चे कहीं कई कई जगह से आए हैं और वो मतलब अच्छा लगता है कि दुनिया के मतलब इंडिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और मतलब पढ़ने का एनवायरनमेंट से लग रहा है यहाँ पे. और लोग यहाँ पे काफ़ी मतलब डिफरेंट माइंड के हैं वो अच्छा लग रहा है. कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में तो जो टीचर्स हैं वो टॉप क्लास के टीचर्स हैं हमारे. तो उनसे मतलब टीचर्स के अलावा एज फ्रेंड भी बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा. और दूसरी बात मतलब जो सराउंडिंग है कोटा का पढ़ाई का वो बहुत अच्छा लग रहा है जिससे मतलब पढ़ाई हो पाती है अच्छे से. स्टूडेंट जो है वो काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर स्टडी करने के लिए आए हुए हैं. तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोटा अब आप लोगों का दूसरा घर बन गया है. तो यहाँ पर कितना अपनापन लगता है आपको? यहाँ पे एक्चुअली वही फ्रेंड सर्कल मतलब उतने तो बने नहीं है लेकिन जितने भी बच्चे हैं दे आर गुड. तो यहाँ पे मतलब अपना सा हो ही जाता है. यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे नए फ्रेंड्स बने हैं और जितने भी टीचर्स हैं सब अच्छे से पढ़ाते हैं और मतलब फ्रेंड मतलब हमें समझते भी है. अपनापन तो बहुत है. मतलब यहाँ मन लग गया है आते से. एक हफ्ता तो लगा था कि अकेला अकेला लगता था बट अभी क्लास में भी फ्रेंड्स वगैरह बन गए और अच्छा ही लगता है. अब यहाँ पे मन लग गया है. अपनापन ये है कि लोग एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर लगता है. लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस यू बिलोंग इट्स बेटर कि आप दूसरों की हेल्प भी करना कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे एक्चुअली बच्चे मतलब फ्रेंड सर्कल बन जाता है. सारे मतलब करियर ओरिएंटेड होते हैं तो अपनापन हो ही जाता है. सारे अच्छे हैं एंड ऊपर से टीचर्स भी हैं. जो टीचर्स हैं वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं कि हमें इतनी याद नहीं आती. लाइक क्लास में तो हमें ऐसा लगता है कि हम बस क्लास में ही रहे. बाहर घर की तो याद ही नहीं आती. जब रूम में जाते हैं तब फिर भी थोड़ा लगता है. तो इसीलिए फिर मैं तो दोबारा एलन ही आ जाती हूँ. वही डाउट काउंटर पे टीचर्स और मिल जाते हैं तो अपनापन हो जाता है. बाकी पेरेंट्स से बात कर ही लेते हैं. तो इस वीडियो में आपने देखा कि कोटा में स्टूडेंट्स का डेली रूटीन क्या रहता है. आपका डेली रूटीन क्या रहता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं.